आते कहीं जो यहां के मुद्दे हैं जी, मैं तमाम वो सारे लोग हैं जिनसे मैंने नहीं पूछा है, आपसे नहीं पूछा ना, नाराज हैं आप उससे? नाराज नहीं है जी जी, बस पूछिए, बताइए क्या कहना है आपको? हमको कहना ये कि हम लोगों ने बीजेपी हमारा राज्य विश्व सर को हम 5 वर्ष के लिए जिताया था, हाँ, यही हिल से एब्सोल्यूट मेजोरिटी में, लेकिन कोई भी फिल्म का भी तो क्लाइमेक्स में पहुंचना चाहिए ना, तभी तो पता चलता है कि रिजल्ट क्या होता है, हीरो जीतता है कि हारता है, उस टाइम में पता चलता है। लेकिन अभी बोलना इतना नामुमकिन है कि इन लोगों को नहीं बोलना चाहिए कि पीपीएस नहीं होगा, होगा जरूर होगा, मोदी सरकार के टाइम नहीं होगा जी। आ रहा, मैं आ रहा, आ रहा जी जी। बात क्या है कि इस बार का जो वोट है, हाँ, इस बार का जो वोट है, हाँ, दार्जिलिंग पहाड़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग गोरखा जाति के लिए बीजेपी ने भी धोखा दिया है, टीएमसी ने भी धोखा दिया है, हम लोग एक ही सपना है गोरखालैंड होना चाहिए। और जब भी यहाँ पर मीटिंग होता है, इतना आंदोलन के टाइम में इतना आदमी मर जाते हैं, कोई नेता नहीं आते है, लेकिन वोट के टाइम में यूपी से मुख्यमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, और टाइम में क्यों नहीं आते? मैं बीजेपी के प्रवक्ता को टाइम देना चाहता हूं, 20 सेकंड आपके हैं, ऑफ कोर्स आप 20 सेकंड में बोलेंगे। हाँ जी, आपका नाम क्या है? दीपा छेत्री। दीपा जी, आप क्या काम करते हैं? हाउसवाइफ हूं मैं। हाउसवाइफ हैं जी, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी यहाँ पर सब हम लोग अपने आदमी है ना, तो 86 का आंदोलन से लेके अभी तक आगे, उससे भी आगे लेके गोरखालैंड का जो इश्यू है वो सब लोग बोल रहा था, आगे का नेता लोग भी यही बोल रहा था कि गोरखालैंड गोरखालैंड गोरखालैंड, हम लोग भी यही गोरखालैंड के पीछे था आगे, हम लोग अभी भी चाहते हैं गोरखालैंड, हमारा नेता अनित थापा जी भी अभी भी चाहते हैं, लेकिन किसी का मार के, किसी को आंदोलन में घर जला के, किसी को भगा के ऐसे आंदोलन नहीं चाहिए। अगर हम लोग का यहाँ पर नहीं मार के, अगर किसी का जान ना घुमाए तो ये इस टाइप करेगा तो हम लोग सब लोग आंदोलन में खड़े हो जाएंगे, लेकिन किसी का घर बार तोड़ के, किसी का जलाने से फायदा नहीं है ना, तो इसी वजह से हम लोग अभी सिर्फ नया सोच नया विचार, पहाड़ को नया सोच नया विचार से हम लोग साथ है, तो इसीलिए हम लोग अनित थापा को साथ कर रहे हैं नया सोच को। बस 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 जी, 20 सेकंड आपके अंदर, आप कह सकते, आप अपनी बात कह सकते हैं 20 सेकंड में, कोई भी बात जो कह रहा, जो तमाम सारी बात कही, वो जो 11 जनजातियों वाली बात कही, आपने जो वादा किया वो वायदा नहीं पूरा हुआ, इन लोगों का कहना है गोरखालैंड के बारे में सारे लोग आते हैं बोलते हैं चले जाते हैं, ये तमाम बातें हैं। जो बीजेपी के वायदे हैं, ये वायदे गोरखाओं की दो राजनीतिक मुद्दों के लिए हैं, जिसका संवैधानिक प्रक्रिया होता है, वो संवैधानिक प्रक्रिया करने के लिए बीजेपी को बहुमत की आवश्यकता होती है दोनों सदनों में, और ये अब ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है जी जी, ये अब 2019 से 2024 तक का जो दरमियान है, इस मियाद के अंदर ये दोनों मुद्दाए का समाधान होने का बीजेपी का ये प्रतिबद्धता रही है, और इसे ये जो है, ये सड़क, ये जो रास्ते, ये झोड़ा, ये बनाने की मांग जैसे नहीं है। आ रहा हूं 20 सेकंड, आ रहा हूं, मैंने देख लिया तुम्हें, देख लिया, आ रहा हूं 20 सेकंड आपके, एंड देन आई विल कम टू यू, एंड देन आई विल कम टू यू। इस चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच सर। मैं पहले जेएनएलएफ में था, 5 अप्रैल 1980 में, मैंने 90 तक था जेएनएलएफ में, और 7 अक्टूबर पहले सेकंड टाइप में बीजेपी पहाड़ में, मैं एमएलए इलेक्शन भी लड़ा हूं, मैं अकेला मेंबर था बीजेपी का मेंबर था, मैं एलएपीएन इलेक्शन भी लड़ा था, और 7 अक्टूबर 2007 में बिमल गुरुंग के साथ में था, उसने जिसका पहाड़ का जितना भी लोग था उनका धोखा देकर पलायन हो गया, दिल्ली उतर में जंगल में नहीं गया, और बिमल गुरुंग ने बिजली का बिल नहीं दिया, सुनिए जो जीएलपी है, बिमल गुरुंग ने जो जीएलपी लिए निकला था वो जीएलपी कहाँ है अभी, जिस चीज को नौकरी था उसका नौकरी कहाँ है बिमल गुरुंग का है, बिजली का बिल नहीं देने के लिए बोला था बिमल गुरुंग ने, बिमल
बिजली का बिल नहीं देने के बोला, आज 10,000 का 30,000 फाइन हो रहा है, 30,000 हो रहा है। वो विमल गुरुंग पुरताल करना चाहिए। विमल गुरुंग ने 10 मार्च 2010 में गोरखालैंड नहीं होने से गोली मारकर मरूंगा बोला था। उबाल आ गया, उबाल आ गया पाजी, उबाल आ गया। बस मुझे मालूम है आपका, मैं आऊंगा आऊंगा आपसे पूछूंगा, मुझे मालूम है आपसे पूछना है मुझे। आई विल आस्क यू जी, एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद गुरुंग है, प्रमोद गुरुंग। प्रमोद गुरुंग, प्रमोद जी कैसे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। क्या काम करते हैं प्रमोद जी आप? मैं ठेकेदारी करता हूँ। एक मिनट प्लीज, आवाज करेंगे तो मैं नहीं आऊंगा। अगर आपने हल्ला मचाया तो मैं 100% नहीं आऊंगा यहाँ पे, और मैं तय कर लेता हूँ तो बिल्कुल नहीं आऊंगा जी। नहीं आएंगे जी, नहीं आएंगे। आप बोला आप हल्ला मचाएंगे लेकिन जी। हाँ जी मैं ठेकेदारी करता हूँ जी। अभी अभी मेरा गोजो मामू टू से सवाल है, ठीक है। अभी उन्होंने बोला कि अभी यहाँ पे नया सोच नए विचार, यहाँ का जनता ने देखा है नया सोच नए विचार, टैंकी भर भर गए, सिंटेक्स बेचता पैसा भर भर के, ठीक है। अभी तक वो जो आंदोलन, ये लोग आंदोलन भी यहाँ पे हुआ था, 17 का आंदोलन, इन्हीं लोग ने बिक्री किया था, पैसे में बेच दिया, वो सिंटेक्स में भर गए। उसके बाद यहाँ पे घर पे जो यहाँ का लोकल का जो आदमी के साथ मिलजुल के रहने के बात कर रहे थे, ये घर कुर्की किया हम लोग के लिए जी। मैं आ रहा, मैं आ रहा, मैं आ रहा। देखिए मुझे मालूम है बहुत सारे सवाल आपके लोकल और यहाँ के क्षेत्रीय सवाल हैं जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, जिनका जवाब जानना चाहते हैं। अभी अभी मेरे अग्रज मेरे भाई कल्याण जी ने कहा कि 2024 तक हम समाधान करेंगे। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, 2007 से तो ये गोरखा जनमुक्ति मोर्चा में ही थे, इतने सारे 19 साल तक, 13-14 साल तक तो बिमल जी के साथ ही थे, बीजेपी के साथ सांठगांठ थी, ऐसा कौन सा कहानी हुआ कि उन्होंने बीजेपी को, अभी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया? तभी जब तक ये मोर्चा में थे, जब तक ये मोर्चा में थे उसी से मांग रहे थे, पहली बात। अच्छा एक बात बताइए, ये कहते हैं हम पीपीएस देंगे, इनको पूछे पीपीएस है क्या? मैं तो पढ़ा लिखा आदमी, मुझे नहीं मालूम। नंबर वन, मैं तो गोरखालैंड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खड़े खड़े सबका बेवकूफ बनाया। आंख खोलते कोई सपना देखता है बोलता है गोरखा का सपना मेरा सपना, वो भी भूल जाइए, पीपीएस भी भूल जाइए, जनजाति भी भूल जाइए। अरे भाई असम में तो आपकी सरकार है 5 साल से, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, आप अभी आके बोलते हैं बंगाल में अगर हम जीत गए तो 40 श्रमिकों की जो है मिनिमम वेज 351 रुपया करेंगे, तो 5 साल तक असम में घास चर रहे थे क्या? वहां क्यों नहीं क्या? नाउ प्लीज लिसन, नाउ प्लीज लिसन, नहीं प्लीज लिसन, नो नो गलत मैडम, नहीं मैडम, नहीं मैडम, मैडम मैडम क्या हुआ, क्या हुआ?